about the detailed aspect of economic reforms of India. Talking about the word economic reforms in India, what is the meaning of reforms? And if we talk about economic reforms or reforms in respect to Indian economy, first of all, I have its definition and its little bit practical aspect of it. Then after that, we will talk about why we need economic reforms in India. So, economic reforms, if we talk about the definition, it is a simple thing that here, किसी भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग इट मींस ऑल दोस पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ to enhance productivity, profitability and efficiency of economy. सिंपल सी बात है, अगर इंडिया की इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो यहां पे वो सभी पॉलिसी मेजर्स कवर किए जाते हैं जिनका कोर मोटिव किसी इकोनॉमी या बात करूं इंडियन इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है, उसकी एफिशिएंसी को क्या करना है इंक्रीज करना है। यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में जो भी पॉलिसी या जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाई गई थी, इन बातों को ध्यान में रखें कि हमें इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, या फिर मैं कहूं उसको हमें वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, उसका मेन मोटिव या मेन जो कोर मोटिव था वो यही था कि इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है, प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है, उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, उसे वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटेटिव बनाना है, यानी उसको इस लेवल पे लेके आना है किसी इकोनॉमी को या इंडियन इकोनॉमी को कि वो वर्ल्ड वाइड जो दूसरी इकोनॉमी है उनको चैलेंज कर सके, उनके कॉम्पिटिशन में स्टैंड कर सके। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो तो ये जितने भी पॉलिसी मेजर अंडरटेकन है, यहाँ पे मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, इनका जो कोर मोटिव था वो यही था कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है इकोनॉमी में उसको कम से कम करना है। ठीक है, और जो दूसरा प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो प्रोग्राम है पॉलिसी किसी इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो ये तय करते हैं कि पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल कम से कम हो, पब्लिक सेक्टर का रोल कम से कम किया जाए, और जो निजी सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा एनहेंस किया जाए। तो ये मीनिंग है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। अब बात करें हम कि इन रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी व्हाई वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रीजन था कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता हुई, उसका एक रीजन था एक्सेसिव फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये रिलेटेड है किससे, फिजिकल पॉलिसी से। फिजिकल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रेवेन्यू, यानी किसी इकोनॉमी की सरकार कितने खर्चे करती है, कितनी रेवेन्यू आती है, वो सब कुछ मिला के क्या होता है उसकी फिजिकल डेफिशिएंट। या फिजिकल डेफिशिएंट का मतलब जो राजकोषीय नीति होती है उसमें सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी के संबंधी डिसीजन लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें एक्सेसिव फिजिकल डेफिशिएंट की, तो यहाँ पे जो 1981 का जो फेज था उसमें जो फिजिकल डेफिशिएंट था वो कितना था, 5%, और ये 1991 में क्या हो गया, बढ़ के कितना होगा, 8.5%। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, जब एक इकोनॉमी ऑलरेडी फिजिकल डेफिशिएंट को फेस कर लिया तो वो उस इकोनॉमी को चलाने के लिए या उसकी गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को रन करने के लिए डिपेंड किसके ऊपर करती है, पब्लिक बोरोइंग के ऊपर। अब पब्लिक बोरोइंग का मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं इंडिया की इकोनॉमी के रिगार्डिंग, जब भी हम पब्लिक बोरोइंग की बात करते हैं तो मुझे ध्यान रखना है कि पब्लिक बोरोइंग जितनी ज्यादा होगी आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उतने ही कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि बोरोइंग के कारण क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उसमें ऐड हो जाता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर था पब्लिक बोरोइंग के कारण वो 1951 में कितना था, 1951 में 10% था, और जो कि 1991 में बढ़ के कितना हो गया, 36%। ठीक है,
तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टोटल के जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे उसमें 10% ऑफ जीडीपी क्या होता था, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 36% 1991 की बात करूं तो क्या होता था जीडीपी का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी जीडीपी के टोटल 36% भी किसमें जाते थे, इंटरेस्ट के पेमेंट के साथ। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ, इकोनॉमी मतलब ट्रैप हो जाती है, डेट ट्रैप हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब इकोनॉमी बुरी तरह ट्रैप हो चुकी थी तो जो इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उनका प्रेशर लगातार बढ़ने लगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट व्हिच इज अर्लियर बोरोइंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी सिचुएशन में तो आप मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो उनकी बात है, इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने रिक्वेस्ट की किससे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से। अब ये रिक्वेस्ट थी कि जो आपका लोन है, ठीक है, उसको आप एक्सटेंड कर लो कितने तक, 7 बिलियन डॉलर तक। तो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की इंटरनेशनल एजेंसी से, इंटरनेशनल जो आपको लोन है उसको एक्सटेंड कर दी कितना, 7 बिलियन डॉलर तक। तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड था उसने ये लोन है अप्रूव किया, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा दी कि लोन हम आपको तभी देंगे जब आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अप्लाई करोगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आप लागू करोगे, ठीक है। और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो तीन पिलर थे वो थे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, क्लियर है चीज। तो ये एक सिचुएशन थी। उसके बाद बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो आपकी फॉरेन रिसिप्ट है, वो जब आपकी लेस देन है किससे, फॉरेन पेमेंट से। ये भी सिचुएशन थी। अगर बात करें फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट की तो 1981 में टोटल था 2214 करोड़ रुपीस, और जो कि 1991 में बढ़ के हो गया 70,367 करोड़ रुपीस। ये शो करता है किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिशिएंट था, यानी कितना हम एक्सपोर्ट करते थे, कितना हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है। ज्यादातर हम इंपोर्ट करते थे जिसकी वजह से डेफिशिएंट लगातार क्या होता था, इनहेंस होता गया, ठीक है। अब जब डेफिशिएंट है तो आपको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इंटरनेशनल बोरिंग। अब इंटरनेशनल बोरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेम पीरियड में 12% से कितना इंक्रीज हो गया, 23%। तो इंटरनेशनल बोरिंग थी उसके रिगार्डिंग 12% से कितनी होगी, 23 इसी पीरियड में, यानी 1981 में कितना था 12% और 1991 में कितना हो गया 23%। अब इसके रिगार्डिंग अगर बात करें जो एक्सपेंडिचर था, या मतलब बात करें इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, या फिर हम ये कहें जब इस तरह की सिचुएशन होती है इकोनॉमी इंटरनेशनल लिक्विडिटी ट्रैप में आ जाती है, जिसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और हमने किसको अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरे केस में अगर बात करें तो हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 1961-62 से ऑनवर्ड्स जो प्राइसेस हैं कमोडिटी को लगातार इनहेंस हो रहे हैं और लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। एक टाइम पे सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जो इन्फ्लेशन था वो 6.7% से कितना हो गया था, 16.7%, ठीक है। इन्फ्लेशन 6.7% से कितना हो गया था, 16.7%, और इसका जो मेन रीजन था वो था एक्सेसिव मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई थी वो बहुत ज्यादा थी, और इस एक्सेसिव मनी सप्लाई का दूसरा जो इंपैक्ट था वो था कि जो एसेंशियल गुड्स थे उनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम थी इकोनॉमी में, ठीक है। तो जब मनी की सप्लाई ज्यादा है और गुड्स की क्या है, सप्लाई कम है, तो उस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होगा। तो इस इन्फ्लेशन का लगातार बढ़ना भी किसका रीजन बना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाने का। फिर आता है रिडक्शन इन फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी एक सिंपल सी बात, एक ऐसा रिजर्व जिसके अंतर्गत सारी फॉरेन करेंसी को इंक्लूड किया जाता है, यानी इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी होगी उन सबको मिला के क्या बनता है, फॉरेक्स, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको आरबीआई मेंटेन करता है, यानी जिसके ऊपर इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, आरबीआई का। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगातार कमी होना भी एक रीजन था किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अप्लाई करने का, या फिर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अप्लाई लागू करने। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करें तो एक टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कितना हो गया था, 2400 करोड़ रुपीज, यानी ये मिनिमम लेवल था जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का था उस टाइम की अगर बात करें 1991 से पहले की बात करें। तो ये सफिशिएंट था कि हम केवल 2 वीक्स की बात करें या 3 वीक्स का जो इंपोर्ट था उस इंपोर्ट के पेमेंट के लिए सफिशिएंट था, यानी मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 16-70 डेज का फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास बचा था, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, अगर हम
बात करें चंद्रशेखर, तो उन्होंने क्या था कि जो गोल्ड था, जो आरबीआई के पास गोल्ड था, यानी गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड का स्टॉक था, उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बल्कि दूसरी इकोनॉमी के पास गिरवी रखना पड़ा टू मीट आउट द डेफिसिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद हम बात करें पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर जो 40 इयर्स का डिकेड मेरा गया था, चार दशक जो मैंने स्पेंड किए थे, हमने पिछले वीडियो में कंसीडर किया था जापान और चाइना, उन्होंने सेम टाइम में हमारे साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो आज कहां है और हम कहां है, तो इसका एक क्रेडिट किसका है, वो पब्लिक सेक्टर जो था वो सही तरीके से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सका। यानी बात करें 1951 में, तो यहाँ पे केवल 5 यूनिट ऐसी होती थी, 5 एंटरप्राइजेस ऐसे होते थे जो पब्लिक सेक्टर के होते थे, और 1991 में ये बढ़ के कितना होगा 232 यूनिट्स। अब इस आंकड़े से मुझे पता लग जाता है कि पब्लिक सेक्टर ने कितना अपने आप को एनहांस किया। यानी टोटल अगर जीडीपी की बात करें तो 63% इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर, और उसका जो रिटर्न था वो नेग्लिजिबल था, यानी नाम मात्र रिटर्न उतना मिला। तो ये पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर भी एक रीजन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंटेशन का, या इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्यों हो। उसके बाद बात करें गल्फ क्राइसिस, गल्फ क्राइसिस का मतलब यहां पे 1991 में जो ईरान और इराक, ये दो कंट्री हैं गल्फ कंट्री हैं, इनके बीच में जो वॉर था उसने भी इंडियन इकोनॉमी को बुरी तरह डोमिनेट किया। अब बुरी तरह डोमिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो पेट्रोल के अलावा इनके ऊपर डिपेंड करते थे, तो इनके वॉर की वजह से, इनके क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि जो पेट्रोल के प्राइस थे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हाई हो गए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, और उसके इंक्रीज होने से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी डेफिशिएंट में था वो ज्यादा और ज्यादा क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। दूसरा क्या था कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट करते थे वो उनकी डिमांड यहाँ पे क्या हुई, दोनों कंट्रीज के मार्केट में क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट रिवेन्यू था वो भी क्या हो गया, लगातार कम हो गया, ठीक है। तो गल्फ क्राइसिस जो ईरान और इराक का वॉर हुआ 1991 में, वो भी रिस्पॉन्सिबल इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट करने के लिए, या उसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड को इनहेंस करने के लिए। उसके बाद बात करें लास्ट पॉइंट में एक्सेसिव कंट्रोल। एक्सेसिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट, या मैं कहूँ एक जो रशियन मेथोडोलॉजी, एक जो रशियन अप्रोच हमने फॉलो की रिगार्डिंग द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या मैं कहूँ जो फंडामेंटल हमने लिया, जो मॉडल हमने अप्लाई किया रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें मेरे पास तीन ऑप्शन थे, मिक्स इकोनॉमी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। तो हमने एक रशियन अप्रोच को फॉलो किया, जिसके तहत हमने क्या रखा कि एक सोशलिस्ट अप्रोच हमने फॉलो की, जो मॉडल था वो सोशलिस्ट था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया, कंट्रोल किया, और इस कंट्रोल को हमने पॉसिबल किया किसके माध्यम से, फेरा और MRTPA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और दूसरा था मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट भी ऐसा था जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल को इनहेंस किया, और उनके एक्सेसिव कंट्रोल की वजह से ही क्या हुआ कि जो इकोनॉमी था वो उस समय उतनी ज्यादा फ्लेक्चुएट नहीं हो सकी जितना उसको डेवलप करना, यानी जो 40 इयर्स का एक डिकेड गया वो अल्टीमेटली इन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। ये जो मेन फैक्टर हमने कंसिडर किए रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 डिकेड्स 1951 से लेके 91 तक, या 1950 से लेके 90 तक, उन 40 सालों का जो वेस्टेज था उससे मुझे आउटपुट ये मिला। और इनके फेलियर या इन डीमेरिट्स की वजह से, इन कमियों की वजह से हमें इसको अप्लाई करना पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो 3 मेन पिलर है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, उनके बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच।